हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बहुत दिन से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, कुछ रीज़न थे। बस आज मन किया कि थोड़ा सा ब्लॉग बनाऊं, तो इस समय हैं हम किचन में और बना रहे हैं बेल का शरबत, जो कि गर्मी में पीना चाहिए सबको। और किसको इसको अच्छा लगता है बेल का शरबत, मुझे कमेंट करके बताइएगा। गर्मी में तो सभी के घर में बनते होंगे, सभी लोग पीते होंगे बेल के शरबत, अच्छा भी लगता है। और मैं बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि मेरे बाबा जी की तबीयत नहीं ठीक थी, तो अच्छा नहीं लगता किसी के घर में तबीयत ख़राब रहे और वीडियो बना के डालना, तो इसलिए मैं नहीं बना रही थी। अब उनकी तबीयत में आराम है तो मैं आज सोची थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। बेल को फोड़ के फ्रिज में रख दिया था, ठंडा हो गया और इसमें ज़्यादा बीए भी नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं निकल रहा है। देखिए, जैसे गुच्छा होता है ना, उसको निकाल के बनाते हैं, मतलब करके तोड़ के फ्रिज में रखा गया था। फिर इसका जो बियाँ और गुच्छा होता है निकाल के फिर इसमें पीसी चीनी मिलाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा बियाँ नहीं हैं, थोड़े बहुत हैं, तो ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा बनाने में। चीनी भी हम पीस के रख लिए हैं। आज चाय ना बना के हम शरबत बना रहे हैं क्योंकि गर्मी का समय है, चाय ज़रूरी नहीं रहती। जब कुछ और कुछ नहीं रहता, शरबत वगैरह, तो चाय बनती है। और जब आज बेल आया था, पापा लाए थे, तो शरबत बन रही है। आज रियांश के पापा को भी मार्केट गए थे कि रियांश के दूध वगैरह ख़त्म हो गए थे, पापा की दवा और कुछ सामान भी किचन का रह गया था, तो हम बोले इसी लागे सब ले आइए क्योंकि कोविड की वजह से बाहर कोई निकल नहीं रहा है। हफ्ते 10 दिन में एक बार जाते हैं, कुछ सामान जो रह जाता है वो ले आते हैं। शरबत मेरा हो गया है, अब इसमें हम चीनी और ठंडा पानी मिलाएंगे। पहले हम हाथ धो लेते हैं, फिर इसमें चीनी मिलाते हैं। चीनी पीस के इसलिए डाल रहे हैं ताकि ये जल्दी से घुल जाए, ज़्यादा इसको घोलने में समय ना लगे। और बर्फ डाल देते हैं। थोड़ा सा निकाल के देखिए ये है। अब इसको हम थोड़ा सा घोल ले रहे हैं। जो चीनी बैठी है मिक्स हो जाएगी। ये गाढ़ा हो गया तो थोड़ा सा पानी मिला दे रहे हैं हम इसमें, फिर हम लोग पीते हैं। और एक चीज़ और मैं बना लूँगी अभी शरबत पीने के बाद, बनारस का मगदल लड्डू। बहुत दिन से इनका खाने का मन था, तो ये आज वो दाल भी नहीं थी, वो वाली उड़द की जो बिना छिलके वाली दाल होती है ना, उसका बनता है, तो वो वाली दाल नहीं थी। तो आज ये मार्केट गए थे तो सारा लेके आए हैं, तो वो भी अभी बनाएंगे। पहले हम लोग शरबत पी लेंगे उसके बाद। थोड़ा सा हम इसे फेंट दे रहे हैं ताकि बर्फ भी घुल जाए और चीनी भी नीचे बैठी ना रहे। निकाल लेते हैं ग्लास में शरबत।
एक्स्ट्रा बचा भी है, जिसको लेना होगा दोबारा ले लेगा। अब हम चलते हैं अंदर शरबत लेके, और आप लोग भी बना के पीजिए, गर्मी में ठंडक देगा और बर्फ़ मिला के तो और अच्छा लगेगा। चलिए फिर पीते हैं हम लोग, फिर पी के आते हैं, फिर अगला चीज़ बनाते हैं। ओके, देखिए कुछ सामान मेरा किचन का ख़त्म हो गया था, जो हम इनको बोले कि लेते आइए, तो ये आज गए थे मार्केट ले आने सामान सारा। और मुझे टमाटो सूप भी पीने का मन था, तो ये चिंग का टमाटो सूप ले आए हैं 2 पैकेट, जिसको कि कल या परसों बनाएंगे, चाय ना पियेंगे तो सूप शरबत यही सब पियेंगे, अच्छा लगता है हमें टमाटो सूप, इसलिए हमने मंगवाया था। टमाटो सूप है ये, और पापा की दवा, रियांश का दूध वगैरह अभी हम यहाँ पे सब रख दिए हैं, क्योंकि धूप में लग रहा था, थोड़ी देर बाहर रखा था, अभी हम किचन में नहीं रखे हैं, बाद में रखेंगे, थोड़ा सा और देर रहे बाहर, सिर्फ रियांश के दूध व दवा हटा लिए हैं। तो अब चलिए, अब हम तैयारी करते हैं मगदल का लड्डू बनाने की, तो अब चलते हैं हम किचन में। पहले ये बर्तन रखे हैं हम, जिस इसको स्टैंड पे लगा देते हैं, थोड़े से बर्तन धो लेते हैं, ये शीशे के गिलास वगैरह जो हम लोग शरबत पी के रखे हैं, इतना करने के बाद फिर मैं मगदल की तैयारी करती हूँ। ये बॉटल और बर्फ वाला भर के हटा दे रहे हैं पहले, क्योंकि रख देंगे तो फ्रिज में पानी ठंडा होता रहेगा। एक एक काम करके हटाना पड़ता है। शीशे की गिलास धो के हटा ले रहे हैं, नहीं तो फिर सुबह तक रखेंगे, अंदर आएगी तो टूटने का डर रहता है, इसलिए हम धो के हटा देते हैं शीशे की गिलास का वगैरह। चलिए अब हम चलते हैं मर्तल की तैयारी करने, दिखाते हैं आप लोग को भी बनारस का मर्तल का लड्डू। इसमें हम पहले कढ़ाई में घी डाल दे रहे हैं, ये हमको 1/2 किलो के लगभग घी लेनी है, डालडा घी 1/2 किलो। आजकल मार्केट में डालडा नहीं मिल रहा है तो ये हमने रख लिया है, और 1 पाव के लगभग देसी घी, ये पिघल जाए फिर इसी के साथ में हम ये भी डाल दे रहे हैं। और ये मेरा है 1/2 किलो का वो उड़द का दाल, बहुत लोग इसको धोइया वाली दाल कहते हैं, और ये है बिने छिलके की दाल, हम कहते हैं बिने छिलके वाली उड़द की दाल, बहुत लोग कहते हैं कि इसको धोइया वाली दाल कहते हैं क्योंकि इसमें छिलके नहीं रहते। तो इसको हमने पीस लिया है, हल्का सा दरदरा है क्योंकि मगदल में थोड़े दाने दाने मुँह में किट किट करते हैं ना, तो वैसे ही हमको बनाना है, और हम बना रहे हैं पहली बार ही, ट्राई कर रहे हैं हम भी। देखिए घी मेरी पिघल रही है, देखिए ये है मेरी वही धोइया वाली दाल जिसको हम कहते हैं बिना छिलके की दाल, उड़द की छिलका उतर के है, और छिलके वाली दाल अलग होती है, तो इसी को हमने 1/2 किलो के लगभग पीसा है, 1/2 किलो के लगभग क्या, 1/2 किलो ही पीसा है,
और आधा किलो में एक किलो चीनी हमने पीसा है, ये भी पीस के रखे हैं। अब इसको हम बर्तन में निकाल लेते हैं तो ऐसे ही डालेंगे। देखिए घी मेरी पिघल रही है, और घी देखने से लग नहीं है कि बहुत ज़्यादा घी है, मुझे भी लगा कि ज़्यादा तो नहीं हो गया, लेकिन क्वांटिटी सही है। आधा किलो में तीन पाव के लगभग घी डाल रहे हैं हम, क्योंकि इसको खूब फेंटना रहता है। अब इसमें हम दाल डाल दे रहे हैं, जिसको हमें धीमे फ्लेम पे खूब चलाते रहना है। देखिए अच्छा बनाना है तो सामान भी अच्छा ही लगेगा। इसको एकदम चलाते रहना है ताकि इसमें गुठली ना जमे और ये एकदम घी में मिक्स हो जाए। देखिए थोड़ी थोड़ी गुठली है जो कि अभी चली जाएगी, मैं ये पानी से कर दे रही हूँ, एकदम अभी मिक्स हो जाएगी। और इसको एकदम चलाते ही रहना है कम से कम 10-15 मिनट घी में। आते हुए हमें 15-20 मिनट हो गया है और ये खौल रहे हैं, देखिए बुलबुले निकल रहे हैं इसमें, ये खौल रहे हैं। अब हमें गैस को बंद करना है क्योंकि 15-20 मिनट हो चुके हैं, अब हम गैस को बंद कर रहे हैं। एकदम खौल गया है ये, और इसको हम जमने तक अब ऐसे छोड़ देंगे थोड़ा सा ऐसे चला के, और ये एकदम से जम जाएगा मतलब ठंडा हो जाएगा। फिर ठंडा होने पे हम बनाते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। देखिए हम इसको चला चुके हैं और ये जम भी रहा है धीरे धीरे। अब हम इसको इस परात में मतलब बड़ी वाली थाली में निकाल लेंगे और इसको एकदम ये जो पानी की तरह पतली घी है ना, इसको एकदम हम जम जाने तक इंतजार करेंगे। कम से कम इसको जमने में लगेगा हमें 1 घंटा, क्योंकि ये जो घी आपको देख रही है ये पानी की तरह, ये एकदम जम जानी चाहिए। जब ये घी जम जाएगी फिर हम आपको आगे क्या करना है बताएंगे या कैसे बनाते हैं ये बताएंगे। चलिए अब हम 1 घंटा तक वेट करते हैं इसको जमने का, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम। मेरा ये हलवा जो हमने वो मद्दल वाला तैयार किया था, एकदम घी जम गई है। हमने बोला था 1 घंटा बट ये लग गए हैं 1.25 घंटा और ये एकदम जम गया है। अब इसको हम ऐसे चम्मच से निकाल देंगे और ये थोड़ा कड़ा भी हो गया है तो अच्छा है, ऐसे ही हो जाना चाहिए। फिर इसको मसलने में इसकी मेहनत अब पता चलेगी कि इस कैसे बनता है, क्योंकि कढ़ाई में करने में इतनी मेहनत नहीं लगी, अब इसकी मेहनत पता चलेगी। इसको ऐसे सारा निकाल लेंगे। एकदम जम के बहुत अच्छा हो गया है, सारा निकाल लेते हैं हम इसको ऐसे चम्मच से। सब निकल जाएगा तो इसमें इसको इतना मैश करना कि एकदम सॉफ्ट हो जाए, एकदम मुलायम और सॉफ्ट हो जाए। देखिए और इसको इसी में ही ऐसे 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 करके खूब इसको फेंटना है। मद्दल बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, सबसे ज़्यादा मेहनत इसी में लगती है फेंटने में ही। देखिए जो घी थी ना, जो ज़्यादा हमने इतनी घी डाली थी इसलिए, क्योंकि ये फेंटा के खूब सॉफ्ट हो, और ये मामूली नहीं है, इसको 1 घंटा ऐसे फेंटना है खूब, तब जाके जो मद्दल हम चाहते हैं बनारस का जो मद्दल है तब मिलेगा। और मिलाते मिलाते ही हम इसमें इलायची का बुरादा डाल रहे हैं, इसमें चीनी मिला के पीस लिए हैं ताकि ये जल्दी से पीस आ जाए। इसको खूब फेंटना है और इसी में ही ये 1 किलो जो हमने चीनी, अभी थोड़ी देर बाद मम्मी बोल रही है कि थोड़ी देर बाद चीनी फेट ले रहे हैं अभी इसको अच्छे से, कि थोड़ा सा फिट आ जाए तब चीनी मिलाना। तो हम इस मद्दल को पहले अच्छे से खूब फेट ले रहे हैं। आप चाहें तो उसको 2 हाथ से भी फेट सकते हैं, मगर ऐसे इसमें करने में ज़्यादा अच्छा हो रहा है।
थोड़ा थोड़ा नीचे मेरा जमा हुआ रह गया है। इसको एक घंटा इसको ऐसे मैश करना है, इसलिए हम खड़े खड़े किचन से अंदर ले आए हैं ताकि खड़े खड़े थके भी ना और हो भी जाए, इसलिए यहाँ कमरे में बैठ के आराम से पंखे के नीचे एसी में बैठ के अपना धीरे धीरे मलेंगे कि थकाई भी नहीं आएगी और अच्छे से ये फटा भी जाएगा। देखिए हमें इसे मसलते मसलते आधे घंटे हो गए हैं और कितने अच्छे कलर आए हैं, जो कलर हमें चाहिए वही कलर आ रहे हैं इसमें। जैसे मगदल होते हैं सफ़ेद सफ़ेद, पूरा वो कलर आ जा रहा है इसमें। अभी आधा घंटा हुआ है, अभी हमको आधा घंटा और करना है इसको। और अभी हमने चीनी नहीं मिलाया, थोड़ा सा और कर ले 15 मिनट, उसके बाद हम चीनी मिलाएंगे, फिर हम इसको अपने आकार में चाहे गोल चाहे चिट्टा, आपको जैसा आकार देना है मुठभर का वैसे बनाएंगे। लेकिन इसका देखिए कलर बहुत अच्छा है फेंटने से, जितना आप फेंटेंगे उतना ही ये सॉफ्ट होगा। किनाए किनाए जो लगा सब हम इसी में मिला के फेंट ले रहे हैं ताकि कुछ रह ना जाए ढोका ढोका। मेहनत तो लगेगी ही, लेकिन खाने का खाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा और खाने का मज़ा ही कुछ और रहता है अपने हाथ का, तो थोड़ा मेहनत तो बनता ही है। देखिए ये कितना अच्छा फिटा गया है। अब हम इसमें चीनी मिलाने जा रहे हैं, पूरी 1 किलो चीनी है ये। चीनी मिला के अब इसको और ये अच्छे से फेंटना है कि सारी चीनी इसमें मिक्स हो जाए। मेरी अम्मा आप गलत समझिए, वो राघव पूल में था और उसकी वजह से मैं डरती से पूल में गिरी। क्या मेरी वजह से? मैंने क्या किया भाई? जो तुम जब ये अच्छे से चीनी मिक्स हो जाएगी, हमें 5 घंटा हो गया इसको मिलाते मिलाते, जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी फिर हमें इसे बांधना है, चाहे गोल चाहे बर्फी के आकार में चाहे पेड़ा की तरह, तब जाकर मेरा मद्दल तैयार होगा। अभी हमें इसमें इसे 15-20 मिनट और फेंटना है जब तक चीनी पूरी मिक्स ना हो जाए। और अब लड़ते रहो। देखिए ये अभी तक फिटा ही रहा है, क्योंकि मगदल बनाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। फेटते फेटते एक घंटे हो गए, चीनी भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है, इलायची का भी फ्लेवर आ रहा है अच्छा, मतलब महक आ रही है इसमें, स्मेल आ रही है कि इलायची पड़ी हुई है। इसका कलर भी एकदम अच्छा आ गया है, एकदम ये सफ़ेद हो गया है मैश करते करते। एक घंटे हमने कहा था, एक घंटे हो गए, अभी इसको हम 15 मिनट और करेंगे कि थोड़ा सा ये अच्छे से हो जाए, तो इसलिए इसको अभी 15 मिनट और हम करेंगे इसको। ये तो एकदम मलाई जैसे सफ़ेद हो गए हैं मगदल, फेटते फेटते जितना अच्छा फेटेंगे उतना ही अच्छा कलर आएगा। मेहनत तो है भाई, मेहनत बहुत लग रही है इसमें। तुम कर रहे हो भैया, आप मैंने इग्नोर कीजिए, अपना काम कीजिए। देखिए मेरा मगदल तैयार है, अभी इसको थोड़ा सा आकार देके, थोड़ा ना गोल ना चिपटा ज़्यादा करके इसको पेड़ा की तरह बना ले रहे हैं। और एकदम ये बाजार का मेवा लग रहा है, मैं ड्राई फ्रूट्स काटना भी भूल गई हूँ। तो अब हम मद्दल बना लेते हैं, तो इस पर काजू या बादाम या पिस्ता कुछ भी ऊपर से लगा देंगे। मैं भूल गई हूँ, मेरे हाथ में लग गया है, तो फिर मैं बाद में इसमें ऊपर से लगा दूँगी। और मेरा मद्दल एकदम तैयार है, बताइएगा आप लोग।
और ट्राई करिएगा, मेहनत तो बहुत है लेकिन खाना है तो ट्राई तो करना पड़ेगा। और बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसा बना है। चलिए फिर, बाय बाय।